हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं आपको एक वाटर ड्रॉप्स के जो इफेक्ट होते हैं वो कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं मैन्युअली, आज उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या उसके तरीके होते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एलिप्स टूल का एक मैं सर्कल ले रहा हूँ। यहाँ मैंने, अगर आप याद रखिएगा, अगर एलिप्स टूल का आप सर्कल ले रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये रैंडम कोई भी ये शेप बना लेता है। अगर आप शिफ्ट होल्ड कर लेते हैं तो आपका ये हमेशा ही परफेक्ट सर्कल क्रिएट होता है। तो मैंने होल्ड सिलेक्ट करके एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दें, अपियरेंस में आप यहाँ पे इसका फिल आपको रखना है और स्ट्रोक अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, दरवाज कोई नहीं। अब मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, स्ट्रोक मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे अभी व्हाइट में फील है और ये है इसलिए कलर नहीं दिख रहा है। तो अभी मुझे वाटर ड्रॉप्स बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एफएक्स में आकर ड्रॉप शैडो लेता हूँ। ड्रॉप शैडो में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है, ओपेसिटी है, डिस्टेंस है, स्प्रेड है, साइज, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी मैंने 33 रखा है, इसको बाद में भी आप कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो साइजेज है स्प्रेड का, आप थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, या आप थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहते हो सॉफ्ट रख सकते हो। स्प्रेड का यहाँ पे जो साइजेज होता है यहाँ पे आप देख सकते हो वो इस तरह से। डिस्टेंस आप जितना रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर। मैंने यहाँ पे 20 डिस्टेंस रखा है और ये मैंने 17 है, 50, ये 20 और ये है मेरा 18 और ये है मेरा 50। तो ये मैंने साइज रखा है और मैं ये ओके किया हूँ। ड्रॉप शैडो के यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके आपको क्रिएट लेयर करना है, मैंने यहाँ पे किया है। आप देखते हैं एलिप्स का एक ड्रॉप शैडो का लेयर अलग से क्रिएट हो गया है, ये ड्रॉप शैडो और ये अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इसी का एक मैं जस्ट कंट्रोल जे फॉर कॉपी बनाया हूं और ये मैं ऊपर वाले लेयर को हाइड कर देता हूं और नीचे वाले लेयर को मैं सिलेक्ट किया हूं और कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है और होल्ड के साथ आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉर्नर से थोड़ा सा आपको अंदर कर लेना है ड्रॉप शैडो की और इधर वाले थोड़ा अंदर कर लेना है। ये मैंने इतना आपको मैन्युअली आपको बैलेंस करना है थोड़ा सा ड्रॉप का वो इफेक्ट लाने के लिए, तो मैंने ये कर दिया है। और मैं ये थोड़ा इसका ओपेसिटी 100 है, इसको मैं थोड़ा और कम कर लिया हूं और ये ऊपर वाले लेयर को है मैं ऑन कर रहा हूं और ये जस्ट एलिप्स के ऊपर लिया हूं और इसको मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क, यानी ये एलिप्स में मैंने इसको मास्क कर दिया है। मैं यहाँ पे अभी जस्ट एलिप्स वाले ऊपर वाले लेयर को मैं यहाँ पे एक मास्क देता हूँ और इरेजर टूल लेता हूँ, मैं इरेजर टूल लिया हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जो राइट हैंड साइड से है वो मैं इरेज कर लेता हूँ। ब्रश की साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे थोड़ा ये किया हूँ, डिलीट किया हूँ और ये इसका सेम ओपेसिटी मैं कम करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप शैडो का जो इफेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसको भी बैलेंस कर लें, सॉरी इसको नहीं, कंट्रोल के साथ सेम चीज आप राइट हैंड साइड से कर लें ताकि आपको ड्रॉप का वो पता चले। अभी यहाँ पे प्रॉपर जो ड्रॉप का वो ड्रॉपलेट्स नहीं दिख रहा है, मैं सेम वाले एलिप्स को मैं सिलेक्ट किया हूँ और कंट्रोल टी किया हूँ और ये मैं कंट्रोल होल्ड करने के बाद ये कॉर्नर वाले इफेक्ट को थोड़ा मैं घुमाया हूँ और ये इधर से इसको घुमा दिया हूँ। ये मैं मास्क वाले को सिलेक्ट किया हूँ ऊपर वाले लेयर को और ई फॉर इरेजर टूल लिया हूँ यहाँ से और थोड़ा थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ बाहर से, ये मैंने इरेज कर दिया है और ये मैं थोड़ा ओपेसिटी और कम कर लेता हूँ या बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
आपको अब यहाँ पर ड्रॉपलेट्स का वो दिख रहा होगा। अब मैं बता दूंगा, ये मैंने ब्लैक इन व्हाइट है, यानी ये जो व्हाइट बैकग्राउंड पे ये मेरा ड्रॉपलेट दिख रहा है। अगर इसी को अगर हम लोग कलर में चेंज करना चाहते हैं, कलर में ब्लेंड करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे लेयर को मैं सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी किया, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ड्रॉप्स, मैंने दे दिया है। इसी का मैं जस्ट डुप्लीकेट बनाता हूँ, कंट्रोल जे फोर डुप्लीकेट लेयर बन गया, और मैं कंट्रोल टी किया हूं और इस कंट्रोल टी फोर, और ये मैं इसका जस्ट डुप्लीकेट बना। मैं चाहता हूं कि ये जो है थोड़ा अलग कलर हो, इसको अलग कलर देने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप, तो ये मैं बताता हूं आपको। मैंने यहां पे ह्यू सैचुरेशन है, यहां पे कलर है सॉलिड कलर, आप ले सकते हैं, मैं यहां सॉलिड कलर ले लिया हूं, और यहां पे थोड़ा टर्कवाइज ग्रीन लेता हूं, मैं टर्कवाइज ग्रीन लिया हूं, और मैं इसको इसके अंदर मास्क कर दिया हूं। आप देख सकते हैं क्लिप मास्क हुआ है। कंट्रोल जेड करके मैं फिर से बताता हूं, यहां पे अगर राइट क्लिक करना है आपको, यहां पे देख सकते क्रिएट क्लिप मास्क, ये फोल्डर वाले जो है फर्स्ट वाला ड्रॉप्स कॉपी है, इसको ड्रॉप्स कलर कर देता हूं, COLOUR कलर, ताकि आप समझ सकें। ये ग्रे था पार्ट और अभी ये कलर है, कलर का नीचे वाला फ्लैट अभी दिख रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे सॉलिड है। यहाँ पे जो नॉर्मल है, मैं यहाँ पे इसका ह्यूज या कलर मैं चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चेंजेज हुआ है, जो आपको दिखेगा ये चेंज हो चुका है। आप इसको थोड़ा ओपेसिटी कम कर दें। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि जो कलर चेंज हुआ है वो नीचे जो है ड्रॉप्स में नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ड्रॉप्स जो मैंने मास्क किया हुआ है ये एलिप्स के अंदर, इसलिए वो ऊपर का नहीं दिख रहा, तो ऊपर से पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ। इसका कलर है, इसका ओपेसिटी मैं थोड़ा कम कर ले रहा हूँ, थोड़ा और कम, ठीक है। अब सेम वाले कलर को मैं कंट्रोल चेक करता हूँ डुप्लीकेट, और ये मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, और इसको सारे में भी जो आ रहा है इफेक्ट, ये यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मास्क कर देता हूँ, ये वाले लेयर में मास्क हो गया। अभी ये जो लेयर में जो मास्क हुआ है, यहाँ पे जो कलर का फील है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज हुआ, मैंने यहाँ पे एक्सक्लूजन किया या यहाँ पे डिफरेंट कर दिए हैं, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, ओवरले, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे लाइट, लीनियर, कलर डोज। तो आपका फर्स्ट जो रखना है आपके कलर के अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशॉप, ये मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप्स का जो वो कलर था वो पार्टिकुलर इसमें ही चेंज हुआ है। अगर आप कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं तो सेम आपका ये जो कलर है इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। वन सेकंड, अभी यहाँ पे अगर सपोज कि ये कलर है ग्रीन में लेना चाहता हूँ, तो ग्रीन में यहाँ पे आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एक, या फिर कोई पिंक कलर लेना चाहता हूँ तो पिंक, यहाँ मैजेंटा को आप बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ये पिंक मैं ले लेता हूँ, ये पिंक कलर है, और ये मैं इसका जो 29 है मैं ये बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर जो चेंजेज हो रहा है, सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है। यही सेम का जो है ये इसका कलर का कोड कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है आपको, और दूसरे वाले ब्लू वाले पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। मैंने पेस्ट कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये कलर का इफेक्ट चेंज होता है। तो आई होप आपको ये आज का ड्रॉप्स इफेक्ट क्रिएट करने का तरीका आपको मालूम हो गया होगा। आप और ट्राई करके देख सकते हैं, और मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके किए हुए वर्क का रिव्यू कर सकूँ। मुझे अच्छा लगे आप लोगों का अगर वर्क आप मुझे मेरे साथ शेयर करोगे। तो आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करके बताएं, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड में सर्कल में किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो उसको आप ये लिंक शेयर करें और ये रिकमेंड करें ताकि वो लर्न कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।